अजय देवगन और कीर्ति सेनन की आएगी बहुत ही जल्द एक फिल्म। तो फिल्म का नाम क्या है, आखिर फिल्म कब रिलीज़ की जाएगी, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो का एंड तक बने रहिए। दोस्तों आपको बता दें कि अजय देवगन सर तानाजी फिल्म के बाद महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की बायोपिक लेकर आने वाले हैं, जिसमें दोस्तों यह फिल्म में हमें दिखाया जाएगा कि किस तरह से महाराजा सुहेलदेव महाराज ने गजनी को पराजित किया था और साथ ही साथ सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। यह फिल्म जो है वो 11वीं शताब्दी पर बेस्ड होगी। आपको उसको बता दें कि फिल्म में लीड कास्ट में अजय देवगन और कीर्ति सेनन नज़र आने वाली है। कीर्ति सेनन पहली बार अजय देवगन सर के साथ काम करेंगी। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि यह जो फिल्म है, इस फिल्म का बजट भी लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास बताया जा रहा है। जी सो लगभग 100 करोड़। तो हमें महाराजा सुहेलदेव राजभर की ये जो बायोपिक है, ये साल 2023 नहीं तो 24 में देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अभी तक मूवी की स्क्रिप्टिंग को कंप्लीट नहीं किया गया है। जैसे ही स्क्रिप्ट फाइनल होगी उसके बाद इस मूवी को फाइनल कर दिया जाएगा और ये फिल्म बनने के लिए तैयार हो जाएगी और हमें फाइनली ये फिल्म साल 2023 नहीं तो 24 में देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अजय देवगन और कीर्ति सेनन की जोड़ी महाराजा सुहेलदेव राजभर की बायोपिक फिल्म को सुपरहिट करा पाएगी, यानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं यानी ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री की हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।